सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24/7 को और दबाएं इस बेल आइकन को। जेनेलिया ने न केवल तेलुगु बल्कि हिंदी सिनेमा जगत में भी काम किया। यहां तक कि जेनेलिया को तेलुगु की रोमांटिक फिल्म बोमारिल्लू के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुका है। जेनेलिया मंगोलियन कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा जेनेलिया ने तेलुगु फिल्मों में ज्यादा काम किया है। जेनेलिया का मतलब यूनिक होता है। जेनेलिया इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात को बता चुकी है कि उनका नाम उनके माता पिता का अंश है। जेनेलिया की माँ का नाम जेनेट और पिता का नाम नील है। जेनेलिया के करीबी उन्हें गिनू कहकर बुलाते हैं। साल 2003 में जेनेलिया ने तुझे मेरी कसम फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जेनेलिया ने पढ़ाई पूरी की थी। जेनेलिया को पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी थी। यहां तक कि जेनेलिया नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर भी हैं। जेनेलिया पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ एक विज्ञापन में नजर आई थी। उस वक्त जेनेलिया महज 15 साल की थी। ये विज्ञापन पार्कर पेन का था। जेनेलिया ने साल 2003 से 2005 तक तेलुगु फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के नाम सत्यम, नायलुदु, सचिन शामिल हैं। मुझे मेरी कसम जेनेलिया की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उनके साथ रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों को प्यार हो गया था। उस वक्त जेनेलिया महज 21 साल की थी। इस फिल्म के बाद ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। करीब 9 साल डेट करने के बाद जेनेलिया और रितेश देशमुख ने 3 फरवरी 2012 को शादी कर ली थी। टुडे न्यूज 24/7 की रिपोर्ट।